वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। हमारा आज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 का है, चैप्टर 3 का। मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे हम, तो चैप्टर 3 का अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 का थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है आज का। ये क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड वाला है। तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन हमें ये है प्रतिस्थापन विधि के लिए दिया गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें ये दिया है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण एक से, हमने मान लिया कि बड़ा कोण एक से, उसे दूसरा कोण बनेगा उसे मान लेंगे छोटा वाला कोण होगा, वो होगा वाई। तो छोटा कोण वाई, बड़ा कोण एक्स हो गया, छोटा कोण वाई मान लिया हमने, मान लिया। अब यहाँ पर कहा गया था कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि हमें कहा गया जो बड़ा कोण है वो एक्स है, उसमें से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक, तो हम माइनस वाई कर देंगे बराबर 118। मतलब कि ये क्या है, ये एक्स जो बड़ा कोण वो वाई से जो छोटा कोण उससे 18 डिग्री अधिक है, तो इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। और ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण हमारा बन गया। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर दे रखा है संपूरक, तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक के कोणों का योग, संपूरक के कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों संपूरक के दो कोण मिला के 180 डिग्री हो जाता है, टोटल 180 डिग्री ही रहेगा। तो ये हमने बना लिया। अब हमें दे रखा है, फर्स्ट हमने माना था x, बड़ा कोण x से छोटा कोण y, दोनों मिला के बन जाएंगे 180 डिग्री। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन बन गए, दूसरे इक्वेशन बन गए हमारे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन, पहला समीकरण दूसरा समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिया हमने एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18, इसे बनाएंगे थर्ड इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, इस y को बराबर के आगे भेज देंगे, तो x बराबर 18, ये माइनस में इधर आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन। तो x बराबर 18 प्लस y, तो x इजिकल टू 18 प्लस y थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगली स्टेप में हम क्या करना है, इस x की वैल्यू, जो x की वैल्यू हमने बनाई है उसे हम रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो दो में रखेंगे तो समीकरण ये रहा सेकेंड वाला, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस एक्स की जगह आ जाएगा 18 प्लस वाई, क्योंकि एक्स बराबर 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई इसकी जगह आ गया, और फिर ये प्लस, फिर यह वाई, फिर बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये वाई और वाई, तो हो जाएगा 18 प्लस वाई और वाई 2y बराबर 180 डिग्री, ये 2y हो गया। अब इस 18 को बराबर के आगे भेज देंगे, तो 2y बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 18, यहाँ प्लस में था बराबर आगे क्रॉस करेगा तो माइनस में आ जाएगा, 180 में से 18 माइनस 18 माइनस कर देंगे, तो 2y बराबर ये हो जाएगा 162, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो 162 बचेगा। इस 2 और y के साथ में मल्टीप्लाई है, 2 के नंबर को आगे भेजेंगे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड, तो 2 से 162 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, तो यहाँ आ गया 81 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री आ रहा। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन में रख के उसका x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान,
समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन ये रहा एक्स बराबर 18 प्लस वाई, इस वाई की जगह आ जाएगा ये वाला नंबर एक्स बराबर 18 प्लस 81, तो एक्स बराबर आ जाएगा, इसे प्लस कर देंगे 18 और 81 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 99, दोनों को प्लस करा 99 आ गया, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा आंसर आ जाएंगे दोनों, पहले हम लिखेंगे एक्स 99 और फिर आ जाएगा वाई 81, ये दोनों हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।